कांग्रेस की लौट आई सारी खुशियां, कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, गांधी परिवार में छाई खुशी की लहर। दरअसल आपको बता दें, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी प्रमुख राजनीतिक दल कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसमें बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए लमथटिया कुमारी, बिहार के लिए सरबत जहां फतेमा, जम्मू कश्मीर के लिए समीमा रैना, त्रिपुरा के लिए शर्बानी घोष चक्रवर्ती और राजस्थान के लिए राखी गौतम को नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें, लमथटिया कुमारी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर पेनामलुरु निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वह कृष्णा जिले के विसन्नापेट गांव में रहती हैं। पेशे से वो टीचर हैं और राजनीति में APCC की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। शरबत जहां फतिमा बिहार की दिग्गज नेताओं में से एक मानी जाती हैं। वो बिहार कांग्रेस की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। उन्होंने समाज शास्त्र से PhD कर रखी है। बिहार की सीतामढ़ी में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी है, साथ ही उन्होंने पटना के दर्शन में भी काम किया हुआ है। शमीमा रैना जम्मू कश्मीर के सक्रिय नेता हैं। साल 2021 में जम्मू कश्मीर कांग्रेस हाईकमान ने जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शमीमा रैना को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया था। अब उन्हें प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति में राखी गौतम एक पहचाना चेहरा है। वो बीते चुनाव में कोटा दक्षिण से चुनाव लड़ चुकी हैं। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में उन्हें सचिव से प्रमोट करके महासचिव भी बनाया गया था।